बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। प्रेमानंद महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। श्री राधा रानी पर विवादित टिप्पणी पर बयान। किशोरी जी महाराज हमारा जीवन है, प्रेमानंद महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा कि बरसाना जाकर किशोरी जी क्षमा याचना करें। तो आपको बता दें, मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। प्रेमानंद महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किशोरी जी हमारा जीवन है, प्रेमानंद महाराज ने बात कही है। श्री राधा रानी पर विवादित टिप्पणी पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किशोरी जी हमारा जीवन है, बरसाना जाकर किशोरी जी क्षमा याचना करें। तो बड़ी खबर हम आपको मथुरा से दे रहे हैं। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं। तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है, अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ है। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे। बोल रहा